2617 ये कोई साल नहीं है, ये वो मिनिमम नंबर है जब एक एवरेज पर्सन दिन भर में अपने मोबाइल स्क्रीन को टच करता है। अगर मैक्सिमम आंकड़ा देखने जाएं तो ये 16,000 के भी पार होगा। हम 24 घंटे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल में ऑनलाइन रहते हैं। नतीजा, पूरी दुनिया में किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि 57% से ज़्यादा मोबाइल यूज़र अपनी ज़िंदगी से सेक्स छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन को नहीं। 79% से ज़्यादा मोबाइल यूज़र रात को सोने के पहले और सुबह उठने के बाद 15 मिनट के भीतर अपने मोबाइल फ़ोन को चेक ज़रूर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि हर 10 में से 9 बंदे अपने मोबाइल फ़ोन के बैटरी डेड होने पर अपने आप को एंजाइटी फील करने लगते हैं। जर्मन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि हर 3 में से 1 बंदा कुछ वक्त सोशल मीडिया पर बिताने के बाद अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप को डिप्रेस्ड, लोनली, एग्जॉस्टेड मानने लगता है। ना एडिक्शन एक अल्कोहल एडिक्टेड को नहीं होता, एक ड्रग एडिक्टेड को नहीं होता जितना कि एक मोबाइल यूज़र को सोशल मीडिया का होता है। और ये एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, अनजाने या भूल से लगा हुआ एडिक्शन नहीं है। ये इस एडिक्शन से कमाने वाली मल्टी मिलियन डॉलर्स कमाने वाली कंपनीज़ की एक सोची समझी साजिश है। मैं मोहित पाटीदार आपके साथ आगे वीडियो में 3 बातें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कि क्या, किस तरह से ये सोशल मीडिया कंपनीज़ हमें इस सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंसाती है, किस तरह की स्ट्रेटेजीज करती है, किस तरह की साजिश रचती है जिससे हम इस सोशल मीडिया के एडिक्शन में फंस जाते हैं। दूसरा सवाल होगा कि हमें सब कुछ पता होते हुए भी हम क्यों इस सोशल मीडिया के एडिक्शन में, सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि क्या ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका है जिसके ज़रिए हम सोशल मीडिया के एडिक्शन से, सोशल मीडिया ट्रैप से बाहर निकल सकें। आज के इन 3 सवालों के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले 5 मिनट के भीतर आपके पास सोशल मीडिया को समझने और सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर निकलने के बेहतरीन तरीके होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के काम के और कमाल के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सोशल मीडिया को समझने की जर्नी। इन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज को समझने के लिए हम चलते हैं 2007 में। 2007 में स्टीव जॉब्स एक ऐसा औजार बाजार में लेकर आए जिस औजार ने इंटरनेट इंडस्ट्रीज की जिंदगी बदल दी। पता है कौन सा? अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? हमारा सबका प्यारा दुलारा मोबाइल फोन। 2007 से पहले हम कीपैड मोबाइल यूज करते थे। 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस किया जिसे आप स्क्रीन टच करके यूज कर सकते थे। और इस छोटे से मोबाइल फोन ने पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री की जिंदगी बदल दी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा फीचर डला हुआ था कि आप अब तक जो डेस्कटॉप पर, पीसी पर, कंप्यूटर्स पर जो इंटरनेट सर्व करते थे वो इंटरनेट आप अब मोबाइल में भी सर्व कर सकते हैं। बस इतने से फीचर्स ने इन इंटरनेट इंडस्ट्रीज की जिंदगी, इनके प्रॉफिट्स को 10, 20, 50, 100 गुना तक बढ़ा दिया। 2007 से पहले हम इंटरनेट को ये सोचते थे कि जब भी हम फ्री होंगे तब इसे हम यूज़ कर लेंगे, और ऐसा होता भी था। लेकिन 2007 के बाद स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा औजार हमारे हाथ में दे दिया जिसके बाद से जब भी हम अकेला महसूस करते हैं, हमारे कॉन्शियस थॉट के पहले हम फेसबुक पर पहुँच चुके होते हैं, हम इंस्टाग्राम ओपन कर चुके होते हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई सवाल होता है तो हम गूगल पर होते हैं, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम यूट्यूब पर होते हैं। ये 10 सालों की जर्नी कमाल की है। पर ऐसा होता क्यों है? जब हम अकेले होते हैं तो हम इंस्टा ओपन कर चुके होते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई सवाल होता है तो हम गूगल पर होते हैं, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम यूट्यूब पर होते हैं, क्यों? इसका जवाब है इन कंपनीज की सोची समझी साजिश। इन्होंने हमारे इमोशंस और हमारी ज़रूरतों को इतनी बारीकी से समझाना जिसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने हमारे 3 सबसे ज़्यादा बारीक और सबसे मेजर ज़रूरतों को बहुत ही प्यार से परोसा है जिसके कारण हम इनके एडिक्शंस में बहुत आसानी से फंस गए। हमारी पहली ज़रूरत, हमारा पहला इमोशन, लोनलीनेस। ये कंपनीज हमारे इस लोनलीनेस इमोशन को बहुत अच्छे से समझती है। इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि हमारी आज की जनरेशन अंदर से बहुत डरी हुई है, बहुत अकेली है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, ये सामने जाकर अच्छे से बात नहीं कर सकती। इन्होंने इसलिए फेसबुक और इंस्टा में एक चैटिंग का फीचर अपलोड किया जिसके कारण जहां हम सामने जाकर अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते वहां चैटिंग में हम घंटों से बातें कर लेते हैं, घंटों। हमारी सेकेंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, फीलिंग ऑफ अप्रिशिएशन। हम बाकी दुनिया के अलावा हम अपने आप को इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट बनना चाहते हैं,
और इस सिग्निफिकेंट की भूख के चक्कर में हम अप्रिसिएशन के पीछे ऐसा भागते हैं क्या, लाइक्स और कमेंट आने के बाद हमारे दिमाग में डोपामिन के फटाके फूटने लगते हैं। जब हमें लाइक्स मिलते हैं हम खुश होते हैं, जब हमें लाइक्स नहीं मिलते हैं हम दुखी होने लगते हैं। और इसी का इन्होंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। द फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, इसे बहुत अच्छे से समझा है इन्होंने। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है हमारी, जिसने हम इंसानों को हजारों साल पहले भी ज़िंदा रखा, हजारों साल आगे भी ज़िंदा रखेगी, द डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू। और कमाल की बात है कि ये कंपनीज़ हमारे इन इमोशंस, इन ज़रूरतों के लिए हमसे एक पैसा भी नहीं मांगती। जो कुछ भी प्रोवाइड करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। आपको फेसबुक पर, इंस्टा पर कोई पोस्ट अपलोड करनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें सर्व करना चाहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप गूगल से कुछ पूछना चाहते हैं, आप फ्री में पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब से कुछ सीखना चाहते हैं, आप फ्री में सीख सकते हैं। इनके लिए वो एक पैसा चार्ज नहीं करती। इन कंपनीज़ के यही तीन सबसे बड़े औजार हमारी तीन सबसे बड़ी ज़रूरतें थी। इन कंपनीज़ ने हमारे तीन इमोशंस को ट्रिगर किया। जब कभी भी हमें किसी की याद आएगी हम ऑटोमेटिकली फेसबुक पर होंगे, जब कभी भी हमें कुछ सीखना होगा हम ऑटोमेटिकली गूगल पर होंगे, जब कभी भी हम बोर हो रहे होंगे हम ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर होंगे। इन्होंने हमारे इमोशंस को ट्रिगर किया। इन कंपनीज़ ने हमें फ्री का लॉलीपॉप चुसाकर हमारे इमोशंस इनकी दुकानों में गिरवी रख लिए हैं। अब जैसे ही हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं हम ऑटोमेटिकली इन कंपनीज़ की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं बिना सोचे समझे। जैसे ही हमें किसी की याद आती है हम फेसबुक पर होते हैं, जैसे हमें कोई सवाल होता है हम गूगल पर होते हैं, जैसे ही हमें कुछ सीखना होता है हम यूट्यूब पर होते हैं, जैसे ही हम अकेले महसूस करते हैं हम इंस्टाग्राम पर होते हैं। हम बिना सोचे समझे इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करें, इसके पीछे इन कंपनीज़ की 3-स्टेप स्ट्रेटेजीज वर्क करती है। पहला, ट्रिगर योर इमोशंस। दूसरा, एक्शन। एंड तीसरा, रिवॉर्ड। ये 3-स्टेप स्ट्रेटेजीज के कारण हम इन कंपनीज़ के सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस चुके हैं। ट्रिगर योर इमोशंस। हमारे इमोशंस ऑलरेडी इन कंपनीज़ के पास गिरवी है। हमें किसी की याद आए, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ ढूंढना है, हम ऑटोमेटिकली इन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके होते हैं। अब इन कंपनीज़ की सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी तैयार होती है, एक्शन। और इस एक्शन स्ट्रेटेजी को तैयार करने के लिए इन कंपनीज़ ने दो हथियार बनाए हैं। पहला, नोटिफिकेशन पॉपअप, एंड दूसरा, एट्रैक्टिव रिंगटोन। इमोशन ट्रिगर होने के बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट का यूज़ करेगा या नहीं करेगा ये पूरी तरह से कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। पर इन अट्रैक्टिव नोटिफिकेशन पॉपअप के जरिए कंपनीज हमारे अंदर क्रेविंग ज़रूर पैदा कर देती है। और हमारे अंदर क्रेविंग पैदा होने के बाद इस कंपनीज की तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी शुरू होती है, वो होती है रिवॉर्ड। इमोशन ट्रिगर हो गया, इमोशन ट्रिगर होने के बाद नोटिफिकेशन पॉपअप ने हमारे अंदर उन प्रोडक्ट को यूज़ करने की क्रेविंग भी पैदा कर दी। अब भी सवाल आता है कि क्या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए उनकी तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है रिवॉर्ड, अनसर्टेन रिवॉर्ड। कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, वो किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है। और ये कंपनीज यहीं पर अपनी सबसे बेहतरीन चाल चलती है, अपने स्मार्ट यूज़र को उसी के स्मार्टफोन से बेवकूफ़ बनाती है। इन कंपनीज़ ने बहुत सोच समझ कर अपने प्रोडक्ट्स में लाइक, कमेंट, व्हाट्सएप में टाइपिंग वाले फीचर्स अपलोड किए हैं। असल में ये कंपनीज हमें एक्चुअल में कोई रिवॉर्ड नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिवॉर्ड की फीलिंग देती है। मुझे तो 1000 लाइक्स मिल गए, ओह माय गॉड, मुझे पता है उस पोस्ट में मुझे 5000 कमेंट्स मिले थे, उसे 3000 बार शेयर किया गया। कमाल की बात है कि जब आप किसी खास पर्सन से चैटिंग कर रहे हो और आपके घर है व्हाट्सएप में अगर नीले कलर का टाइपिंग दिख जाए तो आपके बाप की ताकत नहीं है कि आप व्हाट्सएप छोड़ के चले जाओ। इन कंपनीज़ ने इन्हीं 3 स्टेप्स स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके हमें फंसाया है और हम इन स्ट्रेटेजीज को पलट कर इन सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। पहला, हमें बाहर निकलने की पहली स्टेप होगी, हमारे इन सोशल मीडिया के एडिक्शन, सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर निकलने का हमारा पहला तरीका होगा कि जिस के ज़रिए ये हमारे अंदर क्रेविंग पैदा करते हैं, अट्रैक्टिव नोटिफिकेशंस के ज़रिए ये हमारे अंदर क्रेविंग पैदा करते हैं ना, तो हम सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में इन नोटिफिकेशन को डिसेबल करेंगे ताकि हमारे अंदर इन नोटिफिकेशन की बेल हमें सुनाई ना दे और हमारे अंदर कोई क्रेविंग पैदा ना हो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की। हमें जब हम फ़ोन उठाएंगे तब हम यूज़ करेंगे तब ठीक है, लेकिन हमारे अंदर इन फ़ोन के ज़रिए हमारे अंदर कोई क्रेविंग पैदा नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन बेल के ज़रिए हमारे अंदर कोई क्रेविंग पैदा नहीं होनी चाहिए। माई सेकेंड
स्ट्रेटेजी है अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स सभी के सभी फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम यूट्यूब जो कुछ भी है इन सबको हाइड करके रखें जब तक तब तक कि आपको इन सभी चीज़ों से कोई खास काम ना हो आपको अपनी चीज़ें अपलोड ना करनी हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क ना हो तब तक आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सभी को हाइड करके रखेंगे। हमारी अगर ये दो स्ट्रेटेजीज भी आपके सोशल मीडिया एडिक्शंस को कम नहीं कर पा रही है तो हमारी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो 2007 से पहले मोबाइल फ़ोन ने आया था उसके पहले हम एडिक्टेड भी नहीं थे इंटरनेट के एडिक्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट को यूज़ करते थे हमारे डेस्कटॉप पर हमारे कंप्यूटर्स पर। हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के एडिक्टेड हुए हैं इसलिए क्योंकि 24/7 ये इंटरनेट सोशल मीडिया हमारे पॉकेट में होते हैं हमारे जेब में अवेलेबल होते हैं इसी कारण हम इन चीज़ों से अट्रैक्टेड हुए हैं इन चीज़ों से एडिक्टेड हुए हैं। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने मोबाइल फ़ोन की जगह डेस्कटॉप में या फिर पीसी में यूज़ करने शुरू करेंगे तो ये डिसीज़न आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीज़न होगा जो न सिर्फ आपके सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करेगा बल्कि आपके स्क्रीन टाइम को भी बहुत हद तक कम कर देगा क्योंकि हम जितना ज़्यादा देर तक सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन पर कंज्यूम कर सकते हैं उतनी देर हम कंप्यूटर्स पर नहीं चला सकते।